से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राज्य समन्वय समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 2024 की रणनीति पर हुआ मंथन। समिति के सभी 9 सदस्य बैठक में हुए शामिल। जेएमएम अध्यक्ष सिब्बू सोरेन की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। विनोद पांडे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर रहे मौजूद। मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता भी इसमें शामिल हुए। एक साल के बाद बुलाई गई थी समन्वय समिति की बैठक। तो समन्वय समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। मीटिंग में 2024 को लेकर मंथन किया गया है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ कि किस तरह से जो समन्वय है वो बनाकर बरकरार रखा जाए, ताकि आने वाले समय में सब 7 चुनाव लड़के जीत दर्ज कर सके। हालांकि आपको बता दें कि समन्वय समिति की बैठक फिलहाल समाप्त तो हो गई है। हम लोग अनुमोदन के लिए भेजे। एक सवाल बहुत गंभीर है जमीन से। रघुवर दास जी 5 साल तक कहते रह गए जो जमीन को सोरेन परिवार ने लूट लिया, लेकिन 5 साल में उन्होंने कार्रवाई नहीं की। ठीक है सर। और ना कोई कार्रवाई हुई। एसआईटी का गठन हुआ, उसका रिपोर्ट जो है सो अलमीरे में बंद रह गया। आपकी सरकार भी अब 4 साल होने जा रही है, जमीन के विवाद के की बात करती है, ये कार्रवाई कहीं नहीं हो रही। नहीं बिल्कुल, इस विषय और तो क्या ये जमीन एक सिर्फ पॉलिटिकल झुंझुना बन गया है झारखंड में? आप कह रहे हैं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं जो आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, तो आपने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की 4 साल में, जो किसने लूटा? नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा है। हमने ये कहा है कि जो भूमि संबंधी विसंगतियां हैं उसको अविलंब दूर किया जाए। जब विसंगति दूर होने लगेगी तो निश्चित रूप से जो आदिवासी जमीनों की लूट हुई है या कहीं खाता खतियान में छेड़छाड़ किया गया है उसको ठीक किया जाए। 4 साल में विसंगति, अब तो 5वां साल चुनाव में जाने जा रहे हैं, तो ये झुंझुना बजाते हुए चुनाव में चले जाएंगे और विसंगति दूर होते रहेंगे? नहीं, इस तरह से रघुवर जी विसंगति दूर किए। देखिए, पहली बार बैठक हुई है, आप सारे सवाल हमसे ले रहे हैं। जब डबल इंजन की सरकार थी या जो लोग थे उस समय इस तरह के सवाल नहीं लिए जा पाते थे, उसके कई कारण रहे होंगे। लेकिन अगर आप सवाल ले रहे हैं तो आपका धन्यवाद है। हर महीने अब बैठक होगी और हर महीने बैठक में हम लोग उसका जवाब देंगे कि हम कहां तक पहुंचे हैं। आपको अपडेट किया जाएगा। हां, धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा, और एक महत्वपूर्ण विषय था, सुन लो, आप लोग कुछ करने के अरे भाई, समन्वय समिति में कई हमको लगता है 12-13 बहुत से मुद्दों पर चर्चा हो, प्लीज उसको ले लीजिए ना, तब ना अगला बार बोलेगे। लेकिन आप लोग, हमको लग रहा है जल्दीबाजी में हम लोग से ज्यादा। ये लोग चाहता हूँ कि हम लिख के दे दे, बाइट पर काम हो गया है। सब कुछ प्रेस रिलीज और कुछ विषयों पर चर्चा हम लोगों ने की है, जैसे पॉइंट में ही बता दे रहे हैं, एजुकेशन पर भी हुआ, जैसे कई एक आयोग आंदोलनकारी हुआ। विपक्ष के नेता के नहीं रहने के कारण जिसका गठन नहीं हो पा रहा है, हम लोगों ने सरकार से इसके लिए भी अनुरोध किया है कि जो भी अड़चने इसमें आ रही है उसको दूर किया जाए, और अगर विपक्ष का नेता नहीं है या नहीं बन पा रहा है तो कोई वैकल्पिक इसका रास्ता निकालने का काम सरकार करे। दूसरी बात कि समन्वय समिति के सदस्यों का जो भ्रमण कार्यक्रम होता है, हम लोगों ने सरकार से उसके लिए भी अनुरोध किया है कि जो भी सदस्य जिले में जाते हैं तो उनके भ्रमण के दौरान जो सहयोग अधिकारियों का हो वो उनको मिले, ताकि वहाँ के लोगों का जो भी समस्या है उसका निष्पादन किया जा सके। धन्यवाद आप लोग को। जोगेंद्र जी, एक और बिंदु है जो मैं बता देना चाहता हूँ आपका, जैसे राज्य सरकार निर्णय लिए। तो देखिए, एक साल के बाद समन्वय की जो बैठक है वो हुई। सरकार द्वारा समन्वय समिति का गठन किया गया था ताकि जो तमाम पार्टी के नेता हैं इन सभी के बीच समन्वय बना रहे और मिलकर
सब साथ में काम कर सके। समन्वय समिति की बैठक के बाद राजेश ठाकुर ने बयान दिया है, अब हर महीने होगा राज्य समन्वय समिति की बैठक। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं समिति के सदस्य। समन्वय समिति की बैठक के बाद राजेश ठाकुर ने बयान दिया है। साल पूर्व उसको हम लोग रैती के समतुल उसको पूरा लाभ देने का काम करेंगे। इस दिशा में भी हम लोग सरकार से आग्रह किए कि अति शीघ्र उस दिशा में पहल की जाए। और जो एजुकेशन का मामला था कि तो समन्वय समिति की बैठक हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बैठक में 2024 को लेकर रणनीति तैयार की गई है और रणनीति तैयार करने के साथ ही कहा गया कि हर महीने समन्वय समिति की बैठक आयोजित की जाएगी ताकि जो राजनेता है उन सभी के बीच समन्वय बना रहे।